नमस्कार, सिटी न्यूज की अदालत में एक बार फिर हम हाजिर हैं उन्हीं तल्ख तेवरों और तीखे सवालों के साथ। इस बार सवालों के कटघरे में मौजूद हैं कांग्रेस पार्षद सुरजीत सिंह चड्डा। सुरजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी न्यूज की अदालत। धन्यवाद। सुरजीत सिंह का नाम इन दिनों विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 की दावेदारी के साथ कांग्रेस के गलियारों में लगातार सुर्खियां पकड़ रहा है, और जिस तरह से लगातार 3 बार पार्षद रहते हुए सुरजीत सिंह चड्डा कांग्रेस में अपनी एक अलग मुकाम पर हैं, आज वो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 को लेकर अपनी दावेदारी रखने वाले हैं और किस तरह से जनता के बीच वादों के साथ वो जाने वाले हैं, इसका वो यहाँ पर खुलासा करेंगे। सुरजीत जी, सबसे पहले शुरुआत होगी आपकी दावेदारी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 से। जिस तरह से लगातार राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं और कांग्रेस पार्षदों की एक लंबी फहरिस्त में आपका नाम अपनी तरह की अलग राजनीति के लिए पहचान रखता है, एक अलग तरह से शुमार है, किस तरह से आपकी चार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 को लेकर दावेदारी रहेगी? देखिए, मैं पिछली 3 बार से सतत कांग्रेस का पार्षद हूँ जी, और मैंने कोशिश की है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में मैंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। रचनात्मक हों, सांस्कृतिक हों, राजनीतिक हों, सभी क्षेत्रों में मैंने काम करके अपनी अलग पहचान बनाई है जी। और मेरा ये मानना है कि क्षेत्र क्रमांक 4 में आज जो सिनेरियो है वो कांग्रेस के पक्ष में है। मेरे खुद के काम हैं, मेरे परिवार की पृष्ठभूमि है, और मैं मेरे 1964 से मेरे पिता इस विधानसभा क्षेत्र के पार्षद रहे हैं, 2 बार इस क्षेत्र से मेरे चाचा आदरणीय सौदागर सिंह जी पार्षद रहे हैं, और मैं सतत 3री बार इस क्षेत्र से पार्षद हूँ। तो हम लोगों के परिवार की पृष्ठभूमि, हम लोगों का करा हुआ काम और इस क्षेत्र में जो आज स्थिति है वो बहुत ही, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं बहुत ही नकारात्मक स्थिति में है, विरोध की स्थिति में है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस आज अपनी स्थिति बहुत मजबूत स्थिति में आ गई, इसलिए मेरा मजबूत दावा मैं अपने आप मानता हूँ। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4, उसे राजनीतिक विश्लेषक और तमाम भाजपा के बड़े नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या भी कहते हैं, ऐसे में कांग्रेस के सिपाही यानी कि सुरजीत सिंह चड्डा क्या कुछ दम दिखाएंगे कि जिससे ये भाजपा की अयोध्या जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के किले में तब्दील हो जाए? देखिए, अयोध्या जी श्री राम की होती थी, बिल्कुल है ना, अब ये लंका हो चुकी है जी। श्री राम की अयोध्या जो थी उसमें रामराज था। आज आप विधानसभा में जाके देखिए, अवैध शराब के अड्डे बने हुए हैं जी, शराबों की दुकानें खुले आम, जो दुकान दूसरी विधानसभा से थी वो यहाँ पर आ गई है जी। पूरे क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं हुआ है, चंदाखोरी अपने शबाब पे है, अवैध वसूली अपने शबाब पे है, गुंडागर्दी अपने शबाब पे है, चेन स्नेचिंग और इतने तरह के यहाँ पर पूरी स्थिति है। तो आज मैं इसको अयोध्या नहीं लंका मान रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर पार्षद सुरजीत सिंह चड्डा का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस विधानसभा को अयोध्या का नाम देती है अब वो कहीं ना कहीं लंका में तब्दील हो चुकी है। बहरहाल, अब जनता जनार्दन तय करे कि किस तरह से भाजपा की अयोध्या यानी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 अब किस तरह से बदलते राजनीतिक समीकरणों के बाद अपनी आगे करवट लेने वाला है। आगे बढ़ते हैं सुरजीत जी, लगातार 3 बार से आप कांग्रेस के पार्षद हैं, अगर आपकी वार्ड की हम बात करें तो वर्तमान में वार्ड क्रमांक 66 से आप कांग्रेस के पार्षद हैं, क्या कुछ आपने वार्ड में किया है और अब आप विधानसभा के लिए किस परिकल्पना के साथ जनता के बीच जाएंगे? देखिए, मैंने पिछला चुनाव जो है यहाँ की जो सम्माननीय विधायिका हैं उनके जेट से जीता था जी, और ये क्षेत्र मेरे लिए, मेरे पार्षद जी के लिए जी बिल्कुल नया था जी। मेरा पुराने क्षेत्र का एक बहुत छोटा सा हिस्सा इसमें जुड़ के आया था, और बाकी ये पूरा क्षेत्र वही जो आपने पुरानी बात कही कि अयोध्या, तो मेरे को लोग कहते थे भैया अयोध्या से लड़ने जा रहे हो, तो मैंने कहा यार कोई अयोध्या नहीं होती है, काम करने वाले के लिए कोई चीजें मुश्किल नहीं है। मैंने अपने वर्क पे, अपने काम पे, अपने व्यवहार से इस क्षेत्र को जीता है, और आज 4 सालों से मैं पूरे क्षेत्र में विकास कर रहा हूँ और बहुत अच्छे तरह से मैंने इस पूरे वार्ड में विकास किया है। मैं मानता हूँ इस क्षेत्र में करीब 14,500 वोट थे जी। अगर आप जातिगत बातें करते हैं, लोगों के दिमाग में चीज चल गई कि अयोध्या जातिगत समीकरण, किस जाति के कितने वोट, मैं आपको इस वार्ड की परिस्थिति बताता हूँ कि 14,500 के लगभग वोट थे, 650-700 वोट मुस्लिम थे, और मेरी जाति के कहने को 2 वोट, एक घर के एक हस्बैंड एक वाइफ, कुल मिला के 2 सिख समाज के वोट थे इस वार्ड में, और पूरा वार्ड हिंदू वोट होगा। अच्छा वार्ड है, बहुत अच्छा वार्ड है, बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने उनके पास गया, अपनी बातें रखी, मैंने उनको बताया कि भैया मेरी परिवारिक पृष्ठभूमि ये है, मैं पहले जहाँ से पार्षद था, आप वहाँ जाइए उनसे पूछिए कि सुरजीत चड्डा काम करता था कि नहीं करता था, अगर वो काम करता हो तो उसको वोट दीजिए,
और अगर मैंने काम किया, मैंने विकास किया, तो आप मुझे जिताइएगा, नहीं तो आप मालिक हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी आपको फायदा मिला ऐसा लगता है राजनीतिक? निश्चित तौर में, मेरे पिताजी उजागर सिंह जी सन 1964 में यहाँ पर पार्षद थे, उसके बाद शहर कांग्रेस कमेटी के वो अध्यक्ष रहे। मेरे चाचा दो बार, मैंने बताया आपको पहले भी, कि पार्षद रहे, और हम लोगों के परिवार से आज तक कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी कि राजनीतिक परिवारों की स्थिति ऐसी बन जाती है कि वो उनके नाम से लोग चिढ़ने लग जाते हैं, यार ये परिवार, अरे यार ये तो कब्जे करता है, ये वसूली करता है, ये तो गुंडों को प्रशस्त देता है, ये गुंडों को छुड़वाते हैं थाने। तो हम लोगों ने कभी इन कामों में हमारा परिवार नहीं रहा, हमने कभी चंदाखोरी नहीं की, हम किसी गुंडे के लिए थाने पे नहीं जाते हैं, हमने कभी किसी असामाजिक तत्व में, कभी हमारा किसी में हमारे परिवार का कोई दखल नहीं रहा। लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 जो है, ये परिवारवाद में जकड़ा हुआ नजर आता है। गौड़ परिवार है और अब आप कह रहे हैं कि पारिवारिक पृष्ठभूमि तो चड्डा परिवार है, तो इन परिवारवाद से बाहर निकल पाएगी क्या विधानसभा? नहीं, परिवारवाद से मतलब नहीं, मैं आज मेरी बात आप नहीं समझे जी। मेरे पिताजी की आज डेथ हुए 3 साल, मेरे चाचा पार्टी में कोई एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं है, मेरा जितने परिवार के कोई सदस्य वो एक्टिव पॉलिटिशियन अब नहीं रहा। मतलब राजनीतिक विरासत को आप संभाल रहे हैं? मैं विरासत को भी संभाल रहा हूँ, मैं खुद भी काम कर रहा हूँ। आज मेरे पिताजी की डेथ के बाद मैंने 3 साल से एक संस्था गठन किया, संस्था उजागर के माध्यम से मैं पूरे वर्ष भर में करीब 10 से 12 बड़े आयोजन करता हूँ। उनकी पुण्यतिथि पे भी पिछली 25 जुलाई को माननीय दिग्विजय सिंह साहब आए थे, करीब 5-7 हजार लोग थे वहाँ, हमने 50 से 75 सिलाई मशीनें दी, ट्राईसाइकिल बेड की, 1 लाख पुस्तकों का हम वितरण करते हैं, और अभी हम वार्ड वाइज जा रहे हैं, 15 तारीख से उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। तो हम लोग क्या परिवारवाद में, मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी राजनीतिक मसलों में मेरे साथ दखल नहीं देता, मैं राजनीति अकेला करता हूँ, परिवार मेरे साथ रहता है, पर मेरे परिवार की वो स्थिति नहीं जो आप दूसरे परिवार की बात कर रहे हैं। आप उनके लिए आकलन करेंगे और क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर खुद ही पता लग जाएगा कि स्थितियां क्या है। बहरहाल ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है कौन सा परिवार है बेहतर, और जनता की नुमाइंदगी के लिए किस परिवार को इस बार जनता देने वाली है मौका, ये भी वक्त के साथ साफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सुरजीत सिंह जी, आपका नाम लगातार कांग्रेस के गलियारों के साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषकों में भी एक नई लहर पैदा कर रहा है। हालांकि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 से दावेदार तो कई हैं, जिनमें महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल का नाम भी शामिल है, वरिष्ठ पार्षद सुरेश मिंडा जी का भी नाम शामिल है, और एक खुद आप यानी कि सुरजीत सिंह चड्ढा जो इस वक्त सिटी न्यूज़ की अदालत में हाजिर हैं, उनका भी नाम शामिल है। लेकिन सुरजीत सिंह चड्ढा की दमदारी और राजनीति का एक अलग तौर तरीका कहीं ना कहीं दिखाता है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह से आपको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, क्या इस बात में है दम? देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं दिग्विजय सिंह जी, मेरे पिता आदरणीय उजागर सिंह जी से बहुत प्रभावित थे जी। मेरे पिता जब दिग्विजय सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री रहे तो उनके मुख्यमंत्री शासनकाल में मेरे पिता 6 साल तक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे जी। और उनका एक बहुत उनसे गहरा नाता था। दिग्विजय सिंह जी जब यहाँ DC में पढ़ते थे और उसके बाद उन्होंने GSTI से उनका कॉलेज किया, इंजीनियरिंग किया, तो वो कहते थे कि मैं, मुझसे आज भी वो बोलते हैं या कभी विषय छिड़ता है तो कहते हैं सुरजीत मैं जब यहाँ पढ़ता था, जब तेरे पिता बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, मेरे फादर बहुत डेड ऑनेस्ट व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में, उन पर आज तक कोई लाचन नहीं लगा, 40 साल की पॉलिटिक्स में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि आज कोई व्यक्ति उनका नाम किसी गलत तरीके से लेता हो। दूसरा विषय, मैं अपनी लाइन लंबी करने में विश्वास रखता हूँ, मैं किसी की लाइन काटने में विश्वास ही नहीं रखता। बहुत सारे दावेदार हैं, आपने जो कहा निश्चित रूप से दावेदार हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपके माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सब कुछ दिखता है। क्या ग्रीन सिग्नल मिला है क्या राजा साहब से, दिग्गी राजा से? देखिए ऐसा कहीं कोई संकेत वाली बात है, इसीलिए शायद ये दमदारी और दावेदारी में तब्दील होती है? नहीं ऐसा, मैं आपको सीधी बात बताऊं जी, वो बहुत स्नेह करते हैं मेरे से जी, बहुत प्यार करते हैं वो, मतलब मैं उनको कुछ बोलूं तो वो आगरा के वैसे ही बहुत कच्चे हैं, और मैं थोड़ी सी जिद करता हूँ तो मेरी बात को मान जाते हैं। कहीं ना कहीं जिद जो है इस बार टिकट को लेकर होने वाली हो सकता है, भैया उनकी उनका बहुत आशीर्वाद है मेरे पे, आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब का मेरे पे, माननीय भूरिया जी का बहुत आशीर्वाद है, माननीय महेश जोशी जी का मेरे पे बहुत आशीर्वाद है, और उन लोगों की आशीर्वाद और कृपा से मैं अपनी राजनीति करता हूँ, और एक साफ सुंदर राजनीति करता हूँ, और किसी की लाइन काटने की राजनीति नहीं करता, अपनी लाइन लंबी करने की राजनीति। बहरहाल यहाँ पर ये पार्टी आलाकमान तय करेगा कि किस तरह से सुरजीत सिंह चड्ढा ये नाम
विधानसभा में नुमाइंदगी के तौर पर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में सामने आता है या पार्टी उन्हें अन्य किसी बड़ी जिम्मेदारी से नवाजती है। आगे बढ़ते हैं। सुरजीत सिंह जी, पिछले दिनों आपने शराब दुकान को लेकर काफी हंगामा किया था, विरोध प्रदर्शन किया था दिन रात, न केवल दिन में विरोध प्रदर्शन किया बल्कि रात तले यानी कि अंधेरा शाम होने के बाद, शाम ढलने के बाद भी जो है आपके ये विरोध प्रदर्शन जारी रहे, लेकिन उसका नतीजा कहीं ना कहीं सिफर रहा। आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं कुछ कहीं चूक हुई या प्रशासन की तरफ से सहयोग नहीं? देखिए, ऐसा है कि जिस दिन उषा नगर में शराब की दुकान लगी जी, हमारी जानकारी में आया, हम हमारे ऑफिस में बैठे थे जी, एक कहीं किसी भाई से पता लगा कि भैया वो एक दुकान वहाँ खुल गई है और वहाँ पर वहाँ की जनता बहुत गुस्से में है, नाराज है। हम लोग, मैं मेरे मित्र जो ऑफिस में रूटीन में 5-25 लोग बैठे ही होते हैं, मैंने सबको उठाया, मैंने चलो भैया अपने वहाँ चलना है, हमने वहाँ जाके बात की, हमने विरोध प्रदर्शन किया, वहाँ पर पुलिस आई, हमने दुकान बंद कराई जी, पूरी ताकत से हमने दुकान बंद कराई, उसके बोर्ड वोर्ड हमने हटवा दिए। लेकिन मौके पर क्षेत्र की विधायक मालिनी गौड़ भी पहुंची थी। हाँ, आई थी। मैं, आप मेरे से मेरी बात कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे, आई थी, मैं उसको नकारता नहीं, वो आई थी, वो क्षेत्र की विधायक है, उनको आना चाहिए, उनका फर्ज है, उनका कर्तव्य है, वो आई है तो कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन वो भी दुकान नहीं हटवा पाई। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, मेरा आपसे निवेदन ये है कि जब हमने विरोध चालू किया तो बीजेपी एक्टिव हुई, बीजेपी को लगा कि इसकी क्रेडिट सुरजीत चड्ढा ना ले जाए, इसलिए हम लोग पीछे लग जाए। मैं अपना विरोध चालू किया, मैंने वहाँ सकारात्मक विरोध किया, मैंने कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं की, मैंने वहाँ पहले दिन विरोध किया, दुकान बंद कराई, शाम तक बैठा रहा, धरने बैठा रहा, नीचे जमीन पर बैठा रहा, दुकान नहीं खुली, पुलिस प्रशासन आया, मैंने कहा हम शांतिपूर्ण कर रहे हैं, आप इसमें हमारा विरोध है, विरोध दर्ज कीजिए। हमने उसके बाद मानव श्रृंखला बनाई, हमने वहाँ दूध के कड़ाव लगाए, हमने वहाँ गुलाब के फूल बांटे, हमने वहाँ छाछ बांटी, हम 8 दिन तक सतत वहाँ करते रहे। उसके आंदोलन चल रहा था, आंदोलन चलते चलते उसी के बीच में हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष का मेरे को निर्देश हुआ कि विधानसभा और 1 और 4 का परिवर्तन यात्रा का आपको शुरुआत करनी है और आपको ही संभालना है जी। और वो कार्यक्रम मेरे को मिल गया तो थोड़ा सा मैं उस वो बीच में दुकान यहाँ शिफ्ट हो वहाँ शिफ्ट हो वो चलता रहा, आपको मालूम ये पूरी तरह से चूहे बिल्ली का खेल था। लेकिन अब क्या है, आज भी जो है वहाँ उस क्षेत्र की महिलाएं जो है लगातार गुहार लगा रही हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी एक प्रतिनिधिमंडल मिला, दुकान हटाने की मांग की गई, प्रसिद्ध संत मुरारी बापू का रास्ता भी रोका गया, महिलाएं सड़कों पर भी आईं, लेकिन क्षेत्र की विधायक मालिनी गौड़ भी नजर नहीं आई और कांग्रेस की तरफ से आप दावेदारी कर रहे सुरजीत सिंह भी नजर नहीं आए। जब हमने आंदोलन किया पूरी ताकत से जी, बात हम विपक्ष में जी, सत्ता किसकी, भारतीय जनता जी, महापौर किनका, बीजेपी का, सांसद किनकी, बीजेपी की, विधायक किनका, बीजेपी का, मुख्यमंत्री किसका, बीजेपी का। अगर आज इस क्षेत्र की विधायिका चाले और उस दुकान जाके भूख हड़ताल में बैठ जाए, हुकूमत क्या नहीं कर सकती। बिल्कुल, तो क्या इसे आप चुनावी मुद्दा बनाने जाएंगे, क्या कांग्रेस इसे चुनाव का मुद्दा ऐलान करेगी? 100% सोच ही नहीं है, कोई विचार नहीं है। मैं आज भी उषा नगर की पब्लिक के साथ हूँ, वो मुझे जब याद करें, आधी रात को बुलाएं, मैं जाने को तैयार हूँ। ये केवल ढकोसलेबाजी हुई। आज की तारीख में अगर राहू विधानसभा से दुकान हट सकती थी तो 4 नंबर से भी हट सकती थी, वहाँ भी बीजेपी का विधायक था, यहाँ भी बीजेपी की विधायक है। तो कहने का मतलब ये है, हुकूमत चाहे तो सब कर सकती है, सिर्फ एक लॉलीपॉप, एक झुंझुना पकड़ा दिया गया। आपको पूरा एपिसोड पता है, विधायिका जी गई, उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर जी से कहा कि साहब वहाँ चलिए, मेरा भांजा बैठा हुआ है, उसको भूख हड़ताल से उठाइए। उन्होंने कहा कि हमसे पूछ के बैठा था, क्यों अध्यक्ष जी से पूछा उनके कि आपसे पूछ के बैठा था, उन्होंने बोला हम नहीं जाएंगे। बहुत मुश्किल से ताई के घर गई, 2 दिन उनको मिला मनाया, बहुत उनसे आदरपूर्वक उनसे उन्होंने आग्रह किया कि साहब चलिए, वो 3-4 दिन से बैठा हुआ है। आपको क्या लगता है इस समस्या का हल आखिर क्या है, जनता के पक्ष में क्या? देखिए, मैं सीधी बात करूं जी, नगीन नगर से एक दुकान बंद हुई जी, जनता के विरोध से बंद हुई थी। जैसे नगीन नगर की दुकान बंद हुई थी वैसे ही उषा नगर की दुकान को बंद कर देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इसको कहीं स्थानांतरित करना चाहिए, स्थानांतरित होगी फिर विरोध होगा। देखिए, किसी भी रहवासी क्षेत्र के पास में दुकान नहीं करना चाहिए, ये हमारा पूरा विरोध है। अगर नगीन नगर की दुकान बंद हो सकती है तो निश्चित रूप से उषा नगर की दुकान सरकार बंद कर सकती है, अगर पहले की है तो अब भी हो सकता है। बहरहाल, ये केवल एक मुद्दा महज भर नहीं है, यहाँ पर बात है जनता की एक ऐसी समस्या की
जिससे न केवल उस क्षेत्र के रहवासी दो चार हो रहे हैं बल्कि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि और राजनेताओं का भी ये दायित्व बनता है कि जनता को होने वाली तमाम दिक्कतों को लेकर चुनावी साल में कम से कम वो अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं और ऐसे मुद्दे पर संवेदनशीलता जरूर अभिव्यक्त करें। आगे बढ़ते हैं सुजीत सिंह जी, लगातार आपने कांग्रेस में नगर निगम में आवाज बुलंद की है, विरोध में रहते हुए यानी विपक्ष में रहते हुए भी आप लगातार सक्रिय रहे हैं, 3 बार के पार्षद हैं इसलिए एक सीनियर क्रम में भी आपका नाम पुकारा जाता है। राजनीतिक लक्ष्य की अगर हम बात करें, क्या कुछ राजनीतिक लक्ष्य है पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने के साथ साथ आगे क्या आपने राजनीतिक लक्ष्य तय किया? देखिए सीधी सी बात है जी, मैं तीसरी बार पार्षद हूँ और 3 बार से विपक्ष में हूँ। भूमिका हमारी शुरू से विपक्ष की रही है, काम कराने की ताकत है, लड़ते हैं, पूरी ताकत से लड़ते हैं और अपना काम कराते हैं, जनता का काम कराते हैं। लक्ष्य की जहाँ तक बात है तो आपने शुरू में ही मेरे से पूछ लिया कि आपका लक्ष्य क्या है विधानसभा। तो देखिए 3 बार पार्षद बनने के बाद कोई भी पार्षद होगा जी, मैं तो 3 बार बन गया हूँ, जो पहली बार नहीं बन पाया वो भी मांग रहे हैं, जो नहीं है वो भी मांग रहे हैं, तो टिकट मांगने का अधिकार सबको है। पर मैंने अगर पार्षदी 3 बार पूरी तरह से की है और जनता का विश्वास जीता है तो निश्चित रूप से मुझे विधानसभा का टिकट मिलना चाहिए, और अगर मिला तो पार्टी का आदेश होगा, निर्णय पार्टी को करना है। अगर पार्टी मुझे मुझमें विश्वास रखती है, और लक्ष्य की जहाँ तक बात है तो मैं आपको सीधी बात बताऊँ कि मैं आज भी राजनीति से ज़्यादा मेरा काम समाज सेवा है। मेरे पास कोई भी गरीब व्यक्ति आ जाए, आज भी मैं डायलिसिस हर मंथ रेगुलर कराता हूँ, हम शव वाहन चलाते हैं, हम पानी का टैंकर चलाते हैं, हम एम्बुलेंस चलाते हैं, हम 1 लाख कॉपियाँ साल की बांटते हैं, हम लोग विधवा महिलाओं को सिलाई मशीनें देते हैं, गरीब तबका जो फीस नहीं भर पाता उनकी फीसें भरवाते हैं। कहीं ना कहीं वो आखिरी पंक्ति, मेरे पिता तो नेता ही गरीबों के कहलाते हैं। आज भी पश्चिम क्षेत्र में तो उस विधानसभा में आप चले जाइए तो मैं आपको ऐसी 10 बस्तियां बता सकता हूँ जिनको बसाया आदर्श इंदिरा नगर, लोधा कॉलोनी, पालदा कॉलोनी, समाजवाद नगर, ऐसी कई बस्तियाँ, सेठी नगर, समाजवादी इंदिरा नगर, ये बस्तियाँ उजागर सिंह जी ने, लाबरिया बेरू, माली मोहल्ला, झुग्गी झोपड़ियाँ, ये बस्तियाँ उजागर सिंह जी ने बसाई। इसके बाद तो आपकी जीत लगभग तय मानी जाती है अगर इतना समाज सेवा कोई राजनेता करता है। देखिए अब ये तो समय बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिस तरह से लगातार आपका नाम चर्चाओं में है ऐसे में राजनीतिक आकाओं की भी तलाश जो है तेज हो जाती है। कांग्रेस के विधायक जिन्हें पानी वाले बाबा के नाम से भी पुकारा जाता था, अश्विन जोशी जी, उनसे किस तरह के आपके परस्पर राजनीतिक संबंध है और क्या आपको राजनीतिक मार्गदर्शन अश्विन जोशी जी से मिलता है? ऐसा है, अश्विन जोशी जी मेरे बड़े भाई हैं, मुझे उन्होंने राजनीति में मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने मुझे चलना भी सिखाया। महेश जोशी जी और मेरे पिता उजागर सिंह जी की 40 साल की मित्रता है जी, बिल्कुल, और उस मित्रता के चलते हम लोग पारिवारिक हैं। हम लोगों का परिवार इतना घुला मिला हुआ है आपस में कि हम लोगों को लगता नहीं कि हम लोगों के परिवार में कोई छोटा सा ही मतभेद है। अश्विन जोशी जी निश्चित रूप से कांग्रेस के बहुत शानदार नेता हैं, इंदौर के सर्वमान्य नेता हैं, और इंदौर में आज एक ही विधानसभा से कोई कांग्रेस पार्टी का अगर 3 बार का विधायक है तो अश्विन जोशी जी। आप जानते हैं अश्विन भैया बहुत सुलझे हुए और बहुत अच्छे विधायक हैं और मेरे लिए तो बड़े भाई हैं। क्या उनसे सामान्य दिलाने में उनकी मदद जो है काम आएगी? हाँ, निश्चित रूप से वो मेरी मदद करेंगे, और तो बिल्कुल खुले रूप से कहते हैं, वो तो चौराहे पे खड़े होकर बोलते हैं कि मेरा तो एक ही उम्मीदवार है सुरजीत है, और साथ में मुझे शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन जी का बहुत सहयोग है। पार्टी लेवल पे प्रमोद टंडन जी मुझे सहयोग करते हैं, और निश्चित रूप से सहयोग करने का कारण ये नहीं है कि मैं उजागर सिंह जी का लड़का हूँ। वो कहते हैं कि यार सुरजीत डिजर्विंग कैंडिडेट है, ये डिजर्व करता है। आज अगर कैंडिडेटों में रायशुमारी या कहीं देखा जाए तो वो कहते हैं कि सुरजीत का वर्क है, इसलिए इसको चांस मिलना। लेकिन जिन दोनों नेताओं के आपने नाम अपनी जुबान से निकाले वो दोनों ही नेता कहीं ना कहीं विचारों के मामले में विपरीत ध्रुव माने जाते हैं, उनका कैसे सामंजस्य बिठा पाते हैं? एक तरफ शहर कांग्रेस के अध्यक्ष प्रमोद टंडन, दूसरी तरफ 3 बार के विधायक अश्विन जोशी, दोनों ही विपरीत विचार के नेता माने जाते हैं अक्सर कहीं ना कहीं। पिछले दिनों हाल ही में अभी कार्यकारिणी को लेकर के भी काफी हंगामा हुआ, सीधे प्रदेश अध्यक्ष से सूची मंजूर होकर आई, ऐसे में दोनों ही नेताओं से अच्छे तालमेल, अच्छे संबंध, कितना मुश्किल कितना आसान? देखिए सीधी सीधी बात मैं आपसे करूं, अश्विन जोशी वो खुद कहते हैं कि मैं सुरजीत का नेता नहीं हूं, ये मेरा बड़ा छोटा भाई है, मैं इसका बड़ा भाई जी, ये खुले रूप से सबके सामने देते हैं। वही स्थिति प्रमोद टंडन जी की, वो मेरे से कहते हैं बोले यार मैं उजागर सिंह जी के साथ कार्यकारिणी में उनका चेला रहा हूँ, मैं उनका उपाध्यक्ष रहा हूँ, तो मैं तो बोले सुरजीत का तो मैं बोले उजागर सिंह जी के मेरे पे यूँ व्यक्तिगत बहुत सारे उन वो मेरे पे कृपा रखते थे, तो सुरजीत के लिए मैं कुछ करूँ तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, इस पर मैं बहुत कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। प्रमोद टंडन जी
संगठन के नेता है, अश्विन जी जनता के साथ वो चुनाव लड़ते हैं। सीधी सीधी बात है कि वो चुनाव लड़ते हैं, वो विधानसभा चुनाव लड़के 3 बार अपने आप को साबित कर चुके हैं कि मैं जनता का नेता हूँ। वो प्रमोद टंडन जी संगठन के साथ है, वो अपना संगठन बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आज जो समन्वय प्रमोद टंडन जी ने बनाया है, निश्चित रूप से अभी पिछले दिन उन्होंने एक मीटिंग करी, उन्होंने बोला कि भैया आप कितने दावेदार हो, 4, 5, 6 जितने दावे, आप सब आइए, सब बैठिए। उन्होंने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात अपने स्तर पर यह रख सकता है कि मैं पार्टी मुझे मौका देगा, जिसको मौका मिलेगा उसके लिए सब लोग काम करेंगे। तो दोनों से मेरा तो बहुत अच्छा संबंध है, दोनों मेरे बड़े भाई है और मेरे लिए बहुत सम्माननीय है दोनों। मैं उनका व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत आदर करता हूँ। बहरहाल ये राजनीतिक सूझबूझ है जिसका परिचय यहाँ पर सुजीत सिंह जी देते नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के बीच सामंजस्य की कड़ी की भूमिका निभाई है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आगे बढ़ते हैं सुजीत जी, मुद्दों की बात करते हैं। किन मुद्दों के साथ आपको लगता है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 की जो जनता है कांग्रेस पार्टी के हाथ से हाथ मिलाएगी? देखिए जी, मुद्दों में मैं बात करूं तो पिछले 1989 से जी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी 1989 में माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने चुनाव लड़े थे, और 1993 से हमारे गौड़ परिवार का यहाँ पर विधानसभा में कब्जा रहा है जी। कुल मिला के आप इस इंदौर शहर में रहते हैं जी, जब आप राजवाड़ा से आगे निकलते हैं तो आपको लगता है कि एक नया इंदौर आ गया। राजवाड़ा के इंदौर आप इधर आते हैं तो लगता है पुराना शहर, वही पुराना इंदौर चल रहा है जी। कुल मिला के बात यह है कि इस क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया। जिन मुद्दों पे 20 साल पहले लक्ष्मण सिंह गौड़ जी जीते थे, मैं उनका बहुत आदर करता था, मैं माननीय मालिनी गौड़ जी का ही बहुत आदर करता हूँ, जहाँ भी मिलते हैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, पर विकास के मामले में वो ये लोग बहुत पीछे रह गए। देखिए आज कांग्रेस की सत्ता थी, हम लोगों ने सुदामा नगर एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी थी, उसको कांग्रेस ने वेद किया जी। ये लोग 20 साल से कह रहे हैं कि हम द्वारकापुरी प्रजापत नगर उस क्षेत्र के सारी अवैध कॉलोनियों को ये हम कहते आ रहे हैं, हर चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि हम इनको वेद कराएंगे, आश्रम नहीं करा पाए। आज तक विश्राम बाग का ये हमेशा इनके मैनिफेस्टो में, 20 साल पुराना मैनिफेस्टो उठा लेना आप, 1993 में मैनिफेस्टो आप उठाना, इन्होंने कहा हम फलबाग को विश्राम बाग को एक सुंदर बगीचा बनाएंगे, आज भी कहते हैं। मैं भी इनकी कहीं ना कहीं आपके ही मैंने सुना था सिटी न्यूज में, आज तक उसका विकास नहीं कर पाए। शमशान घाट की मांग को लेकर कांग्रेस शासन में भूख हड़ताल पर माननीय लक्ष्मण सिंह गौड़ बैठे थे, आज तक शमशान घाट का पश्चिम क्षेत्र में कोई निर्माण नहीं हो पाया है ना। दूसरा, आप उस क्षेत्र में मुझे विकास की एक बात बता दीजिए, आज रंजीत हनुमान मंदिर को ले लीजिए, वहां पर रिसीवर बिठाया, इनके परिवार के लोग उसमें जुड़े, आज तक वहां कोई विकास नहीं हो पाया। 4 कैमरे लगे थे, वो कैमरे भी हटा दिए गए, वहां से कैमरे हटा दिए गए, शौचालय वहां नहीं है, वहां फिर अवैध दुकानें वापस कब्जा हो गया, फिर अवैध दुकानें लगने लग गई, वहां जूते उतार के ठिकाने की जगह की व्यवस्था नहीं। लेकिन क्षेत्र के विधायक तो कहते हैं कि उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया, पानी की टंकियों का निर्माण कराया और रहवासी संघों को खास तौर पर कई सहूलियतें दी जिसमें उनके कॉलोनी के एप्रोच रोड तक शामिल हैं, क्या इन बातों में सच्चाई है? हंसी आती है मुझको जी। और अभी इन्होंने कोई महाजनसंपर्क अभियान चलाया था भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड वाइज, स्थिति ये थी कि माननीय विधायिका जी 71 नंबर में गई और 7 लोग थे, गाड़ी वापिस बैठी घर चले गई। मैं जिस वार्ड से पार्षद हूँ, मेरे कामों को अपने खाते में गिन के और उसका एक पर्चा बना के और मेरे वार्ड में बांटा जा रहा था। जब मैंने वो काम देखे तो मैंने कहा ये सारी सूची तो मेरे कराए हुए कामों की, ये नगर निगम से हुए, उनके खाते में है ही कुछ नहीं। आप मेरे को बताइए क्या विकास हुआ उस क्षेत्र में? विकास के नाम पे एक चीज आप मुझे बताइए कि पश्चिम क्षेत्र में किसी एक चीज का विकास हुआ? रिंग रोड में सर्विस रोड का निर्माण हुआ, सर्विस लेन बनाई गई, इसके अलावा कई चौराहों का सौंदर्यीकरण हुआ, हाई मास्क लगाया गया, दशहरा मैदान के ठीक सामने फीडर रोड का निर्माण, ऐसे कई काम है जो विधायक कांग्रेस कहीं कांग्रेस के जमाने में हुआ जी। बॉन्ड सड़क कांग्रेस के जमाने में हो रही थी, फीडर रोड कांग्रेस के टाइम पे चलती आ रही है। आप मेरे को कोई बड़ा विकास बताइए जी, कोई एक बड़ा विकास आप मुझे नहीं, कोई स्टेडियम आपको बना। आपको लगता है कि जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, अभी आपने कहा कि दूसरों की लाइन छोटी करने में विश्वास नहीं रखते, अपनी लाइन बड़ी करने में विश्वास रखते हैं, तो क्या ये आत्मसात होती है इन बातों? नहीं, बात जी आप बात नहीं समझे जी। आपने पूछा कि आप दावेदारी कैसे करेंगे, तो मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि जो अवैध कॉलोनी कांग्रेस के शासन में एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी वे अवैध थी, सुदामा नगर, उसको वेद करा दिग्विजय सिंह जी की सत्ता में, हमारे माननीय भगवती मिश्रा जी वहाँ पर अध्यक्ष थे, दयाल गुरु ने कॉलोनी काटी थी, तो ये क्यों ना कर पाए 20 साल में?
आप जब 20 साल से चलिए, अगर आपको कांग्रेस पार्टी मौका देती है प्रत्याशी के तौर पर, तो किन वादों के साथ आप जनता के बीच जाएंगे, ये सीधे जनता आपसे जानना चाहती है। देखिए, मैं तो सीधी बात करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी अगर मुझको मौका देगी तो मेरा सबसे पहला मुद्दा होगा विकास। जो पश्चिम क्षेत्र आज विकास से महरूम है, आप पूरे पश्चिम क्षेत्र में अगर विधानसभा क्षेत्र में जाएं और कहीं भी जाएं तो पश्चिम क्षेत्र में विकास कहीं से कहीं नहीं दिखता है। मैं विकास, सबसे बड़ा मुद्दा मेरा विकास होगा और मैं अपनी बातें लेके जाऊंगा। जो सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में अवैध कॉलोनियाँ हैं, उन अवैध कॉलोनियों को हम भेंट चढ़ाएंगे। शराब की दुकान हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। उषा नगर की अगर कांग्रेस की सरकार आई, बात टिकट की नहीं है, बात विधायक बनने की नहीं है, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो उस उषा नगर की दुकान को सबसे पहले मैं जाके बंद करवाऊंगा और उसके बाद हम विकास के लिए कांग्रेस लेके जाएंगे। हम लोग इस क्षेत्र में शमशान घाट के निर्माण की पूरा प्रयास करेंगे कि एक क्षेत्र में शमशान घाट बने। आज आप देखते हैं अन्नपूर्णा नगर, द्वारकापुरी, वहाँ से लोग चार चार पाँच पाँच किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो उसका हमको एक विकास शमशान घाट बनवाना है। उस क्षेत्र में हमको अवैध जो कॉलोनी है, कम से कम 30 से 40 50 अवैध कॉलोनी है, हरिहर नगर है, हरिओम नगर है, माली मोहल्ला है, लाबरिया भेरू है, समाजवाद नगर है, द्वारकापुरी है, प्रजापत नगर है, बहुत सारी कॉलोनियाँ अवैध है, उनको वैध कराएंगे, वैध करा के उनमें विकास कराएंगे। आज जिस मुद्दे पे उमा भारती जी ने 2003 में सरकार बनाई थी, पानी, सड़क, बिजली कहाँ है? लेकिन आज मध्य प्रदेश में शिवराज फैक्टर चल रहा है सब, तो कहाँ है शिवराज की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जो भीड़ नजर आती है उससे तो देखकर तमाम राजनीतिक विश्लेषक इसी बात का देखिए, ये भीड़ सत्ता की है जी, ये भीड़ सत्ता की है, सिर्फ सत्ता का मोह जो एक जाल फ्रेम बना हुआ है वो सत्ता का है। जिस दिन सत्ता हिल जाएगी, और आप देखिएगा जो बिल्कुल निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बन रही है, आंकड़े आंकड़े कांग्रेस के पक्ष में। मैं कल ही एक सर्वे पढ़ रहा था, मैंने कल ही एक सर्वे देखा, उसमें कांग्रेस को कम से कम 15 सीटें ज्यादा है बीजेपी से, और करीबन 9 मंत्री हार रहे हैं, लेकिन बहुमत तो फिर भी कहीं ना कहीं भारतीय कांग्रेस, कल मैंने देखा है 15 सीटें आगे थी कल। चलिए, जाते जाते जो टिकट के अन्य दावेदार हैं उनसे कैसे बाजी मारेंगे, उनसे कैसे लड़ाई लड़ेंगे, किस तरह से पार्टी आलाकमान को, जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस महासचिव से जिद कर टिकट लेना आता है, तो क्या इन दावेदारों से बाजी मारना भी आपको? मैंने ऐसा नहीं कहा कि जिद करके टिकट लेना आता, लेकिन क्या इन दावेदारों से बाजी मार पाएंगे आप, जो टिकट के अन्य दावेदार हैं उनसे? देखिए, ऐसा है, मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं जीत करके उनसे टिकट लाऊंगा। वो बहुत बड़े नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और बहुत क्या दावेदारों से बाजी मार पाएंगे आप, कैसे आगे निकल? देखिए, मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं सफल हो जाऊंगा अगर पार्टी मौका देगी। जो भी प्रत्याशी होंगे, मैंने तो जब भी मुझसे सामान्य रूप से जो जो इस विधानसभा से टिकट की मांग कर रहे हैं, मेरी उनसे सामान्यतः बात होती है और मैं उनसे यही कहता हूँ, मैं अभी उम्र में छोटा हूँ, अगर आप लोगों को टिकट मिलेगा तो मैं आपके लिए काम करूंगा, मुझे मिलेगा तो आप मेरे लिए काम कीजिएगा। चलिए, तो कहीं ना कहीं आपका राजनीतिक बड़प्पन है, जाते जाते क्या है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के लिए आपका संदेश? देखिए, मैं तो क्षेत्र क्रमांक 4 के सभी वासियों से निवेदन करूंगा कि आप विकास को वोट दीजिए। कैंडिडेट कोई भी हो, कांग्रेस का प्रत्याशी जो भी हो, कांग्रेस के प्रत्याशी को विकास के लिए आप वोट दीजिए। आप इंदौर शहर में एक बार घूम के देखिए, इस विधानसभा क्षेत्र में कहीं विकास नहीं दिखता। विकास पूर्वी तरफ है, पूर्वी इंदौर में, पश्चिमी इंदौर में कोई विकास नहीं है, कोई बड़ी सौगात। मुझको एक सौगात आप बता दीजिए कि 20 साल से जिस विधायक और जिस परिवार का राज है इस विधानसभा में, एक बड़ी योजना बता दें तो आप, मैं उनके साथ इस टॉक शो में आने को राजी हूँ। वो मुझसे बहस करें, मैं उनसे बहस करूं, वो बताएं जनता को कि वो उन्होंने क्या काम किए। कोई बड़ी योजना नहीं है, अवैध कॉलोनियों को हम भेद कराना चाहते हैं, जनता का हम विश्वास जीतना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि कांग्रेस यहां से सफल हो, और कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा तो निश्चित तौर पर विकास करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सिटी न्यूज की अदालत में हाजिर हुए। तो ये थे कांग्रेस के पार्षद सुरजीत सिंह चड्ढा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विकास के मुद्दे पर वो चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल, जनता तय करेगी कि विकास आखिर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में कितना हुआ है, और कांग्रेस का हाथ से हाथ मिलाने के बाद जनता के विकास का नारा किस तरह से बुलंद हो पाता है। सिटी न्यूज की अदालत में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी एक और जानी मानी शख्सियत के साथ। ताजातरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार।